हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 7, इक्विलिब्रियम, पार्ट 7। टुडे आई विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यू विल बी स्टडी इन प्रीवियस क्लास एसिड एंड बेस, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का कुछ नेक्स्ट पार्ट्स जो यूज किया गया। तो एसिड एंड बेस का जो कंसेप्ट है वह क्या है? तो एसिड बेस का स्टार्टिंग जो प्रोसेस था कि जो सब्सटेंस सॉवर थे, टेस्ट में खट्टे थे, उनको एसिड कहा गया। जो थोड़ा से कड़वे टाइप के थे, हल्का सा मीठापन लिए हुए, उस कंसेप्ट को बेस कहा गया। ये हमारे मतलब एक पुरानी डिफिनेशन है, क्लासिकल कंसेप्ट भी कह सकते हैं, प्रारंभिक विचारधारा कि एसिड एंड बेस क्या चीज़ था। तो एसिड बेस का जो कंसेप्ट बना, जैसे जैसे मॉडिफाई किया गया, सर्च होता गया, वैसे वैसे उसका डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता गया। चेंज ऑफ द डिफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम। सो एसिड बेस का कंसेप्ट जो बना, थ्री कंसेप्ट पर डिसाइड किया गया। तो पहले शुरू शुरू में क्या था, ओल्डेस्ट फॉर्म था जो बताया गया। फिर उसके बाद जो डिस्कस हुआ, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया, दैट मीन्स अपना एक कंसेप्ट दिया कि दिस इज एसिड और दिस इज बेस। ठीक, ये कंसेप्ट हुआ। तो इस वन बाई वन आर्हेनियस कंसेप्ट था, ब्रॉन्स एंड लोरिक कंसेप्ट था, एंड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ये थ्री कंसेप्ट हमको जान लेना है। तो टू कंसेप्ट हम लोग पहले से पिछली क्लास में भी जानते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट उसी के आगे हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। कुछ जो कुछ इसमें इंडिकेट है, इसका मेन पॉइंट आपको लर्न करना है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस का डिफिनेशन बताया गया। एंड एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन। भाई एसिड हम उसी को कहेंगे जिसको डिजॉल्व कर दिया जाए वाटर में और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाए। तो इस कंसेप्ट को लुईस नहीं कहेंगे, आर्हेनियस कंसेप्ट अकॉर्डिंग बना। लाइक सब्सटेंस HClHNO3 H2SO4 हमारी एसिड है। व्हाई? बिकॉज इट इज डिजॉल्व इन वाटर, सो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस एंड द गिवन इक्वेशन। HCl है, वाटर में डिजॉल्व कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, इसका दैट मीन्स हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में भी कह सकते हैं। फिलहाल अभी इसको हम हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में कहा गया है। तो HCl हमारा क्या है? एसिड है। ठीक है, तो इसको HCl भाई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म है। ठीक है, वाटर यानी H2O, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन में क्या है? ब्रेक हो गया, इसलिए हम HCl को कहेंगे एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रोजन आयन में डिजॉल्व हो गया और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट इज एसिड। सच एसिड आर कॉल स्ट्रांग एसिड। देखो, जब आपको बताया गया था इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड, जो स्ट्रांग एसिड होते हैं उनको एक कंप्लीट एरो के फॉर्म में इंडिकेट होता है, और जो वीक होते हैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया। ठीक है, सब्सटेंस लाइक एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड सो ऑन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयन टू स्मॉल एक्सटेंट, सो इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन आयन एंड अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल्स एज फॉलो। तो जो एसिटिक एसिड है आपका वीक एसिड है, CH3COOH, तो वीक एसिड को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इक्विलिब्रियम
यानी रिवर्सिबल प्रोसेस बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है एसीटेट आयन CH3COOH हाइड्रोजन आयन, ये आपका ये टूट गया, ब्रेक हो गया, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, सो इट इज एसिड एंड सो ऑन। सच एसिड आर कॉल्ड वीक एसिड, ऐसे एसिड को वीक एसिड कहते हैं। तो ये कंसेप्ट रहा व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ आरएनिया। सो एसिड आर दो सब्सटेंस विच कैन कंटेन हाइड्रोजन एंड विच डिजॉल्व इन टू वाटर गिव्स हाइड्रोजन, यही आपको डिफिनेशन याद रखना है, ठीक है। जो कुछ दिया आपको आरएनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हेडिंग होगा और सीधे आप दिखाओगे एसिड का डिफिनेशन एग्जांपल्स, ठीक है। ये किसका एग्जांपल्स हो, एक ही भाई यहाँ पर बुक हम आपको दिखाया गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कम से कम दो एग्जांपल आपको कॉपी में जरूर नोट होना चाहिए, ठीक। इनफैक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर ड्यू टू द हाइड्रोजन आयंस व्हिच इज फर्नेसेस इन एक्वस सोल्यूशन, यानी जो भी एक्वस सोल्यूशन होता है हाइड्रोजन आयंस में दिखाए जाते हैं। बेस, व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू आरएनियस कंसेप्ट, आरएनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ऑब्वियसली डिफाइन अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट मीन्स ओएच आयन एंड विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपका जिसे आपका स्ट्रांग बेस है ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म, तो वाटर में डिजॉल्व है तो क्या हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी OH आयन आपको दे दिया, तब हम कहेंगे कि NaOH जो सब्सटेंस है वो हमारा बेस है, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व OH आयन गिव्स, सो इट इज बेस। दिस बेस आर कॉल्ड इन स्ट्रांग बेस, ऐसे बेस को हम स्ट्रांग बेस कहेंगे इसलिए, ठीक। नेक्स्ट, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, इट इज डिसोसिएट अ स्मॉल स्टेंट सो एज इट इज बेस। कौन सा बेस है? वीक बेस, एक रिवर्सिबल प्रोसेस रिकॉर्डिंग है ये आपका, ठीक है। तो इसके सभी का डिफिनीशन आपको लिखना है, वन एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसके फार्म में और एक इसके फार्म, बाकी आपको सबको स्टडी करना है। तो फिर को आप जो नोट करना है तो बस डिफिनीशन यहाँ की स्टाफ है जो है और एग्जाम्पल्स आपको लिखना और लर्न करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन, हाइड्रोजन आयन इज सिंपली अ प्रोटॉन व्हिच इज वेरी स्मॉल इन साइज, भाई हाइड्रोजन सबसे छोटा है और साइज भी छोटा होगा इसका, विच रेडियस समथिंग, इट हैज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट टेक अप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, टू फॉर्म, दिस फॉर्म इज नोन हाइड्रोनियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स का और हाइड्रोजन आयन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपका H2O हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया जैसा स्ट्रक्चर के फॉर्म है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर आपका हाइड्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन जब इस पर क्या होगा, अटैक होगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो इस फॉर्म दे दिया गया है, इस फॉर्म स्ट्रक्चर के फॉर्म इसको बना दिया गया, तो इसको हम हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है। यही कह से हाइड्रोजन आयन इज सिंपली अ प्रोटॉन व्हिच इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट हैज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट टेक अप अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको ये इसको दे देगा है और इसके, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज को होने के इसके बैलेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस एक स्ट्रक्चर के फॉर्म इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं और यही कंसेप्ट जो हमारा बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन एक एसिड के इंडिकेट करता है। यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ आरहेनियस कंसेप्ट,
आरहेनियस कंसेप्ट क्या है, क्या इनका लिमिटेशन है। फर्स्ट, नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस कंसेप्ट, एसिड एंड बेस वेयर डिफाइंड एज सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन रिस्पेक्टिवली इन द एक्वियस सॉल्यूशन। ये आरहेनियस के अकॉर्डिंग है। बट एज डिस्कस अबव, दीज आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज सच इन द एक्वियस सॉल्यूशन बट एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड आयन्स रिटेन एज हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन के रूप में लिखा जाता है इसको। इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, आरहेनियस कंसेप्ट डिमांड दैट एन एसिड मस्ट कंटेन हाइड्रोजन एंड बेस मस्ट कंटेन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हाउएवर, नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक NH3, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा आर नोन एज बेसिक बट डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। सिमिलरली नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक CO2, SO2, SO3 नोन एज एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, बट डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन। तो जब डिस्कस आगे किया गया तो आरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था, जो हाइड्रोजन आयन दे, बेस क्या था, जो OH आयन देता है। लेकिन आगे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड पाए गए जो एसिड और बेस को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, लेकिन इनका कंसेप्ट वहाँ पर नहीं काम कर रहा है, फेल कर जा रहा है। ये इसी को हम लिमिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब इनकी थ्योरी थोड़ी सी फ्लॉप हो गई तब ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी कंसेप्ट आ गया जो एसिड और बेस पर डिपेंड किया। तो ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का डिफिनेशन किस टाइप से दिया गया, तो एसिड, एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी टू गिव अ प्रोटॉन। वहाँ पर जो हम हाइड्रोजन आयन कह रहे थे अब यहाँ उसी को प्रोटॉन कह दिया कि जो प्रोटॉन देता है। एंड बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड उसको कहा जो प्रोटॉन गिव्स दे रहा है, बेस किसको कहा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर वेयर एज बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये आपका डिफिनेशन बना। फॉर एग्जाम्पल्स यहां पर देखिए HCl प्लस H2O, ये आपका इक्विलिब्रियम के फॉर्म का है। तो एसिड क्या है, जो हाइड्रोजन आयन दूसरों को दे रहा है, यानी एसिड जो HCl यहां दिख रहा है ये वन प्रोटॉन H2O को दे दिया, तो ये आपका बन गया प्रोटॉन, यानी ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन हो गया। NH3 प्लस H2O। अब किसके में क्या, यहां पर ये एक प्रोटॉन इसको दिया, अब एक कंसेप्ट में क्या है, यहां से वन प्रोटॉन ये एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये बन गया NH4 अमोनियम आयन प्लस OH आयन। तो अब इसको हम कहेंगे बेस, इसको कहेंगे एसिड, बिकॉज हाइड्रोजन आयन इन HCl गिव्स हाइड्रोजन आयन टू वाटर मॉलिक्यूल। इन दिस केस NH3 मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वन हाइड्रोजन आयन एंड प्रोटॉन, हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन जो है ये यहाँ रिसीव कर ले रहा है, और यहाँ से एक प्रोटॉन जो है यहाँ से इसको डोनेट कर दे रहा है। तो इस कंसेप्ट पर ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, तो एसिड उसी को कहा गया जो प्रोटॉन डोनर है, बेस कहा गया जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। आए समझ में। तो हमने एक चीज और देख लिया कि ये कंसेप्ट वाटर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है और एक बार ऐड कर रहा है, ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल दो तरह से बिहेव किया, डोनर और एक्सेप्टर का भी काम किया। ऐसे इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। प्रिया, तो डिफिनेशन के कारण ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, कम से कम एक दो एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल लर्न किए रहिएगा, ठीक है।
इसी कंसेप्ट है आपका एसिड बेस कंजुगेट, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एसिड बेस कंजुगेट्स। अ कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफर बाय प्रोटॉन ओनली हाइड्रोजन है, प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन है। कंजुगेट एसिड जो होगा कंजुगेट बेस प्लस हाइड्रोजन आयन। इस पर एम्फोटेरिक इज अ जनरल टर्म ऑफ सब्सटेंस फॉर सब्सटेंस एक्टिंग एज एन एसिड एज वेल एज बेस। व्हेन एसिड बेस बिहेवियर इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटॉन ट्रांसफर देन इट इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक। एक नियम दिया गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डोनर का भी काम कर रहा है एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना। सो कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन रिएक्शन ए टू ई, ये कंसेप्ट है ए टू ई ए बी सी डी ई समथिंग जे एज मे बी। देखो यहां पर एसिड ए वन निम्न दिया गया बेस इक्वल टू एसिड बेस कंजुगेट पेयर है यहाँ और कंजुगेट पेयर सेकेंड है। देखो फर्स्ट एस सी एल आपका एसिड है वन हाइड्रोजन, ये इसको दे दिया वन हाइड्रोजन तो ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक अब देखो क्या कंसेप्ट हो रहा है एसिड ए वन एस सी एल बेस एच टू ओ एसिड एंड बेस। एसिटिक एसिड है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक हाइड्रोनियम आयन प्लस एसिटिक आयन, वाटर मॉलिक्यूल प्लस अमोनिया अमोनियम आयन प्लस ओएच आयन, ये सब कुछ जो भी दिया गया है। जो एसिड है उसका कंजुगेट बेस, बेस कंजुगेट एसिड। ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इफ टू एसिड विच आर एसिड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आर मिक्सड देन वीकर एसिड विल एक्ट एज बेस विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्गर एसिड। ये मॉलिक्यूल्स है एसिड, मॉलिक्यूल्स है एसिड, एक यहाँ पे एसिड हो गया ये आपको बेस के फॉर्म में है। ठीक है एसिड के फॉर्म एंड बेस के फॉर्म में है तो ये जो आपका कंसेप्ट है तो H2SO4 इज ए एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक एसिड के फॉर्म का है तो इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस। सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस राइट द कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच एंड बेस, यानी ये आपको कंजुगेट एसिड फाइंड करना है तो इसका मीनिंग ये है कि आपको बेस के फॉर्म में गिवेन है तो NH2 आपका जो है NH2 है अब कंजुगेट हमें क्या पता है राइट द कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड लिखना है तो कंजुगेट एसिड इक्वल टू कंजुगेट बेस प्लस हाइड्रोजन तो कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 निगेटिव चार्ज NH3 एंड HCOO निगेटिव विल बी, ये क्या कह रहा है जो वैल्यू गिवेन है उसमें हाइड्रोजन आयन क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, इसमें हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन जब हम ऐड कर देंगे तो इस फॉर्म का हो गया इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। NH3 वन हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन ऐड कर दीजिए तो अमोनियम आयन के फॉर्म का हो गया। ठीक है HCOO निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन ऐड कर दीजिए तो HCOO हाइड्रोजन हो गया यानी फॉर्मिक एसिड का हो गया। तो कहने का कंसेप्ट है अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो जो मॉलिक्यूल्स या आयन के फॉर्म है उसमें आप हाइड्रोजन आयन ऐड कर दीजिए इस टाइप से जैसे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फोर स्पीसीज व्हिच एक्ट बोथ एज ब्रांचेड एसिड एज वेल एज बेस राइट देयर करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड एंड बेस। आपको कंजुगेट एसिड भी बनाना है कंजुगेट बेस भी बताना है तो कंजुगेट स्टूडेंट्स
कंजुगेट एसिड एंड बेस। तो अब जो है यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमें एक मालिकुल्स गिवेन है और उसी मालिकुल्स का कंजुगेट एसिड बनाना है, कंजुगेट बेस बनाना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें से वाटर मालिकुल्स है, H2O है, NH3, HCO3 माइनस वन चार, HSO4 वन चार, ये आपको मालिकुल्स के फार्म में या आयन के फार्म में गिवन है। इसका हमको कंजुगेट एसिड बनाना है और कंजुगेट बेस बनाना है। ये कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। तो कंसेप्ट क्या है, अगर हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं तो कंजुगेट एसिड मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन रिमूव कर देते हैं तो कंजुगेट बेस। ये आपका कंसेप्ट याद रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वाटर मालिकुल्स का है, वन हाइड्रोजन इसमें हमने रिमूव कर दिया तो OH के फॉर्म में आ गया, कंजुगेट बेस हो गया। यहाँ पर वन हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन हो गया। यहाँ से वन हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो माइनस माइनस यानी रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो AnH2 के फार्म में आ गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, जो भी मालिकुल्स या आयन फार्म में दिया है उसमें हाइड्रोजन आयन ऐड कर दोगे तो आपको कंजुगेट एसिड होगा, और हाइड्रोजन आयन रिमूव कर देंगे, माइनस मतलब रिमूव करना, तो कंजुगेट बेस आ जाएगा, ठीक है। इसी को एसिड बेस कंजुगेट कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोनियम आयन दिया, इसका कंजुगेट बेस बताओ, इसका कंजुगेट बेस बताओ, इसका कंजुगेट के बेस पे नहीं आएगा तो वन हाइड्रोन करते ही आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही स्पेशल मालिकुल्स का बनता है। लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेन लोरी कंसेप्ट, इसमें भी कुछ लिमिटेशन पाए, कुछ चीज़ें पाई गई। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एसिडिक ऑक्साइड लाइक CO2, SO2, SO3 एंड सो ऑन एंड द बेसिक ऑक्साइड लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, विच टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सॉल्वेंट, यानी इस पर एक एब्सेंस है सॉल्वेंट के रूप में नहीं है इसलिए इसका नहीं दिखाया जाता। ऑब्वियसली देयर इज नो प्रोटॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर ही नहीं है इसलिए ये सब आपके एसिड या बेस के फॉर्म में नहीं होते हैं। सब्सटेंस लाइक BF3, AlCl3 एटसेट्रा डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एंड हेंस कैन नॉट गिव अ प्रोटॉन बट आर नोन टू बी हैव एसिड, लेकिन वो क्या है एसिड का जरा बिहेव करते हैं, तो इसकी भी एक लिमिट पाई गई। अब ये लिमिट होने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो आपको बताया गया जो मेन पॉइंट था उसको आप राइट करोगे, नोट करोगे और उस पॉइंट को लर्न करोगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था कंजुगेट एसिड बेस के फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उसको इस तरह से लर्न करें जैसे बताया गया। थैंक्स।